हेलो गाइस, मैं हूं विशाल और आज मैं फिर से आया हूं एक और नया स्केटिंग लेसन लेकर। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इनलाइन स्केटिंग कैसे सीख सकते हैं। तो वीडियो पूरा बिगनर्स के लिए होने वाला है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बिगनिंग से बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए और शुरू करते हैं हमारा आज का स्केटिंग लेसन और सीखते हैं इनलाइन स्केटिंग। तो गाइस, इनलाइन स्केटिंग में जो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है वो आती है खड़े होने की। आपको शुरुआत में थोड़ा खड़े होने में दिक्कत आती है तो आप कुछ इस तरह से दीवार वगैरह का सहारा लेकर और फिर इस तरह से आसानी से खड़े हो सकते हैं। लेकिन जब आप अच्छे से सीख जाओगे तो आपको किसी चीज़ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही खड़े हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ सजेशन करूँगा कि जब आप स्केट पहनते हो शुरुआत में, तब आप किसी, अगर आपके पास कुछ इस तरह की जगह हो कुर्सी हाइट की, तो आप वहाँ पर बैठ कर ही पहने, ताकि जब आप खड़े होते हो तो आपको थोड़ी बहुत सुविधा मिल सके, आप आसानी से खड़े हो सके। तो यार, खड़े तो हो जाओगे लेकिन खड़े होने के बाद आपको क्या करना है देख लो। आपको अपना बॉडी बैलेंस जो है उसको एकदम सेंटर में रखने की कोशिश करना है, आपके जो स्केट है उसके सेंटर में रखने की कोशिश करना है। आपको ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, कुछ इस तरह से आपको एकदम स्ट्रेट रहना है और आपका जो बैलेंस है वो एकदम सेंटर में होना चाहिए। और आप बैलेंस के लिए थोड़ा आगे पीछे पैरों को भी रख सकते हैं ताकि आपका जो बैलेंस एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन ये बात की बात है, आप पहले नॉर्मल खड़े होने सीख जाओ फिर आप बाद में कर सकते हो। तो गाइस, स्टेप वन में आपको किसी दीवार का सहारा लेकर कुछ इस तरह से खड़े हो जाना है और फिर बारी बारी से अपने पैरों को उठाना है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आप अपने पैरों पर बारी बारी से अपना बॉडी बैलेंस शिफ्ट कर रहे हो। तो आपको कुछ इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहना है और धीरे धीरे आपको बिना सहारा लिए भी इसका प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। तो आप कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करो और ये तब आपको काम देगी जब आप स्केटिंग पर अपने पैरों से बारी बारी से पुश करते हो, तब आपको बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो गाइस, स्केटिंग करने के लिए आपको अपने पैरों की पोजीशन स्ट्रेट नहीं रखनी है, आपको अपने पैरों की पोजीशन वी शेप में रखना है, कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर वी शेप बन रहा है। अगर आप अपने पैरों की पोजीशन स्ट्रेट रखोगे तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन वी शेप में रखकर आप आगे की ओर इस तरह से अपने आप को पुश कर सकते हैं। तो आपको इसी तरह से वी शेप में अपने पैरों की पोजीशन रखना है और फिर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करना है। और आप यहां पर देखोगे कि आप अपना बॉडी बैलेंस दोनों पैरों पर बारी बारी से शिफ्ट कर जा रहे हो, जो कि आपने स्टेप वन में सीखा था। तो वो चीज़ आपको यहां पर आपका बैलेंस बनाने में थोड़ा हेल्प करेगी। और जब आप अच्छे से स्केटिंग करने लग जाते हो और आपको खड़े खड़े जाना हो तो आप दोनों पैरों को स्ट्रेट एकदम रख सकते हैं और खड़े हो सकते हैं। और फिर वापस पुश करना हो तो वापस से आप अपना इस तरह से पुश करना शुरू कर सकते हैं। तो आप ये टेक्निक भी अपना सकते हैं अगर आपको खड़े खड़े जाना हो तो। तो गाइस, स्टेप थ्री में आपको मैं एक गलती बता रहा हूँ जो बहुत सारे बिगनर करते हैं शुरुआत में, मतलब वो आगे की ओर अपनी जो अपर बॉडी रहती है उसको झुकाकर कुछ इस तरह से चलते रहते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है और ना ही आपको सिर्फ अपने घुटनों को इस तरह से झुकाकर रखना है और ना ही आपको अपने अपर बॉडी को इस तरह से झुकाना है। आपको झुकना है तो आप अपने जो शोल्डर है और जो आपके घुटने हैं उन दोनों को एक साथ झुकाओ इस तरह से, और उन दोनों को एक सीध लाइन में रखना चाहिए कुछ इस तरह से, और फिर आपको स्केटिंग करनी है। तो आपको कुछ इसी तरह से हल्का सा बेंड रहना है और फिर आपको स्केटिंग करना है। लेकिन जब आप ज़्यादा स्पीड में स्केटिंग करते हो तब आपको एक्सेलरेट करना पड़ता है और उस सिचुएशन में आप थोड़ा ज़्यादा झुक सकते हैं आगे की ओर। तो यार, नॉर्मल स्केटिंग सीखने के बाद आपको थोड़ा ज़्यादा पुश लेने की प्रैक्टिस करना है, मतलब जिस पैर से आप पुश लेते हैं उसे थोड़ा ज़्यादा पीछे की ओर निकालना है और जो पैर आगे जाता है उस पर आपका पूरा बॉडी बैलेंस रहना चाहिए और दूसरा पैर पीछे की ओर निकलेगा इस तरह से। तो अगर मेरा राइट लेग आगे की ओर जाता है तो राइट लेग पर मेरा बॉडी बैलेंस जाएगा, और लेफ्ट लेग आगे जाता है तो लेफ्ट लेग पर मेरा बॉडी बैलेंस जाएगा। तो आपको कुछ इसी तरह से थोड़ा ज़्यादा पुश लेने की प्रैक्टिस करना है। और साथ साथ में आपको हैंड मूवमेंट भी थोड़ा ध्यान में रखना है, मतलब अगर मेरा राइट लेग आगे की ओर जाएगा तो मेरा लेफ्ट हैंड आगे की ओर निकलेगा, और अगर मेरा लेफ्ट लेग आगे की ओर जाता है तो मेरा राइट हैंड आगे की ओर निकलेगा। तो आपको एकदम वॉकिंग पोजीशन में चलना है, लेकिन आपको थोड़े बड़े बड़े कदम लेना है कुछ इस तरह से, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि एकदम प्रोफेशनल स्केटिंग लगे आपको भी। और वैसे अगर आपने आगे वाली स्टेप्स को अच्छे से क्लियर कर लिया है तो आपको ये स्टेप ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले ही स्केटिंग पर चलना सीख लिया है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ पुश करने की प्रैक्टिस करना है, मतलब जिस पैर से आप पुश कर रहे हैं उस पैर को थोड़ा ज़्यादा बाहर की ओर निकालने की कोशिश करना है कुछ इस तरह से। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी कंफर्टेबल लगने लग जाएगा और आपका बैलेंस जो है वो भी अच्छा होता रहेगा। बस प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी सीखोगे। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो थोड़ा स्पीड में भी करने की कोशिश करना, तो आप स्केटिंग आसानी से करने लग जाओगे और अच्छे से स्पीड में भी करने लग जाओगे। और मैंने आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की है, अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और जिस तरह से मैंने एक्सपीरियंस किया है स्केटिंग सीखते वक्त वही चीज़ आपको भी बताने की कोशिश की है।
तो आई होप गाइस कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इनलाइन स्केटिंग करनी है, सीखनी है। लेकिन फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, और डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है, वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ गाइस, जो एंकल बैंड की प्रॉब्लम है वो हर बिगिनर को आती है, और अगर आपको भी आ रही हो ये प्रॉब्लम तो उसका उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। तो गाइस यार, आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए या फिर इसी तरह से कुछ नया सीखते हुए। तो बाय गाइस।